लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 17 बी दैट इज़ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ अ सॉलिड मटैलिक क्यूबॉयड ऑफ डायमेंशन 9 मीटर 8 मीटर इंटू टू मीटर इज मेल्टेड वो कह रहे हैं एक सॉलिड मेटैलिक क्यूबॉयड है इस डायमेंशन का 9 मीटर 8 मीटर इंटू टू मीटर का जो मेल्ट किया गया एंड रिकास्ट और उसको दोबारा बनाया गया इनटू सॉलिड क्यूब्स क्यूब्स की फॉर्म में ऑफ एच टू मीटर जिसकी एच टू मीटर है तो देखिए देखिए ये क्यूबॉयड है इसको पिघला के दोबारा से क्यूब बनाया गया तो क्यूबॉयड की हमें डायमेंशन दे रखी है नाइन मीटर इंटू एट मीटर इंटू टू मीटर राइट right? और इसको रिकास्ट करके क्यूब बनाया गया जिसकी डायमेंशन है टू मीटर आगे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब सो फॉर्म्ड हमें ये बताना है कि इसको क्यूबॉयड को पिघला के जब क्यूब बनाए गए तो कितने क्यूब्स बनाए गए इस क्यूबॉयड में से ये बताना है तो कैसे बताएंगे देखिए जब भी हम कोई भी चीज़ पिघला के रिकॉट करते हैं उसको मेल्ट करके रिकॉस्ट करते हैं तो हम उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो हम पहले क्यूबॉयड का वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉयड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉयड क्या होता है दैट इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट तो लेंथ कितनी थी नाइन मीटर ब्रेथ थी एट मीटर और हाइट थी टू मीटर तो ये कितना आ गया नाइन एट सेवेंटी टू इंटू टू सेवेंटी टू इंटू टू कितना आया That इज 144 फोर्टी मीटर क्यूब आ गया तो इसका मतलब हमारा इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम था 144 फोर्टी मीटर क्यूब अब इसमें से हमें क्यूब्स बना दिए गए टू मीटर के तो एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब निकालेंगे एक क्यूब बनाने में कितना इसका वॉल्यूम लगा होगा ये पता चल जाएगा तो के? उसका फॉर्मूला क्या होता है एक क्यूब दैट मीन्स ए क्यूब कहें या साइड क्यूब कहें बात एक ही है तो ए कितना था टू टू मीटर दे रखा है कि टू मीटर एज थी तो ये कितना आ गया एट मीटर क्यूब तो इसका मतलब हमारा एट मीटर क्यूब लगाए एक क्यूब को बनाने में तो हमारे नंबर ऑफ़ क्यूब्स बताने कि कितने बने तो नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे पता चलेगा हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को अगर हम डिवाइड कर देंगे किससे वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब के वॉल्यूम से तो कितना आएगा दैट इज़ 144 फोर्टी फोर डिवाइड बाई एट तो ये कितना आया देखिए फोर टू ज़ा एट फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व ट्वेंटी फोर फोर सिक्स ज़ा टू वन जा टू 2 वन ज टू टू एट ज 16 तो हमारे कितने क्यूब्स बने इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके हमारे 18 क्यूब्स बने आंसर लेट्स टू क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 17 बी दैट इज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्वेश्चन नंबर टू इज अ कोन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस फाइव सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले वो कह रहा है मॉडलिंग क्ले से हमने एक कोन बनाया जिसकी हाइट है ट्वेंटी सेंटीमीटर और रेडियस है फाइव सेंटीमीटर साइड बाय साइड बनाते चले जाते हैं देखिए ये कोन है जिसकी हाइट कह रहा है ट्वेंटी सेंटीमीटर और बेस कह रहा है फाइव सेंटीमीटर है राइट right? आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है अ चाइल्ड रीशेप सेट एक चाइल्ड ने उसको दोबारा से रीशेप कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर स्फीयर की फॉर्म में फाइंड द डायामीटर ऑफ द स्फीयर और हमें डायामीटर निकालना है ये स्फीयर के फॉर्म में कर दिया है तो हमें उसका डायामीटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो लेट कर लेंगे लेट द डायमीटर ऑफ स्फीयर बी स्फीयर का डायमीटर लेट कर लिया कि डी है डी सेंटीमीटर तो कैसे निकालेंगे देखिए जब भी रीकास्ट करते हैं कोई चीज़ एक चीज़ बना के उसको रिकास्ट करते करते मेल्ट करके या रीशेप देके, तो हम उसकी सिर्फ शेप चेंज करते हैं वॉल्यूम सेम रहता है तो इसका मतलब हमारा जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो सेम रहेगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के तो वॉल्यूम ऑफ कॉन निकाल लेते हैं पहले वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है दैट इज वन अपॉन थ्री पाए आर स्क्वायर एच होता है तो वो कितना आ गया वन अपॉन थ्री पाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी तो ट्वेंटी टू अपॉन सेवन लेंगे आर हमारा फाइव सेंटीमीटर दे रखा है और हाइट हमें ट्वेंटी दे रखी है तो ये कितना आ गया देखिए कुछ कट नहीं रहा है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे तो ये कितना आ गया ट्वेंटी टू इंटू फाइव इज हंड्रेड एंड टेन हंड्रेड एंड टेन इंटू फाइव टू ज टेन हंड्रेड तो ये आ गया हमारा वन वन जीरो इंटू हंड्रेड दो जीरो अलग लग गई अपॉन ट्वेंटी वन सेंटीमीटर क्यूब आ गया राइट अब मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम सेम रहता है जब एक शेप को रीमेल्ट या रीकास्ट करके दोबारा कोई शेप दी जाती है तो इसका मतलब हमारा वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल रहेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया हमारा दैट इज वन वन ट्रिपल जीरो अपॉन ट्वेंटी वन सेंटीमीटर क्यूब अब हमें डायमीटर पता करना है स्फीयर का तो कैसे करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज फोर अपॉन थ्री r क्यूब होता है राइट right? अब ये वॉल्यूम हमें पता चला कि इलेवन थाउजेंड अपॉन ट्वेंटी वन है सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू फोर अपॉन थ्री एज इट इज पाई की जगह ट्वेंटी टू अपॉन सेवन और आर हमें नहीं पता तो आर क्यूब एज इट इज आ गया राइट आर मीन्स रेडियस अब देखिए आर क्यूब तो अपनी जगह रहा आर का होल क्यूब और बाकी चीजें दूसरी साइड चली गई इलेवन थाउजेंड अपनी जगह रहा इलेवन थाउजेंड अपॉन्ट ट्वेंटी वन अब ये थ्री और सेवन न्यूमरेटर में चले गए और फोर और ट्वेंटी नो टू डिनिनेटर में तो ये आ गए थ्री इंटू सेवन अपॉन फोर इंटू ट्वेंटी टू अब जो कैंसिल होता है कर देते हैं थ्री वन जो थ्री थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन सेवन वन जो सेवन सेवन वन जो सेवन अब इलेवन से देखिए इलेवन वन जो इलेवन थ्री ज़ीरो इलेवन टू जो ट्वेंटी टू आगे देखिए टू वन जो टू टू फाइव जो टेन एंड जीरो जीरो टू टू फोर फिफ्टी एंड टू वन जो टू वन ट्वेंटी फाइव तो आर क्यूब आ गया हमारा वन ट्वेंटी फाइव तो आर कितना आ गया क्यूब रूट ऑफ वन ट्वेंटी फाइव जब यहाँ पे क्यूब था तो उधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा तो क्यूब रूट ऑफ वन ट्वेंटी फ़ाइव क्या होता है फ़ाइव तो फाइव सेंटीमीटर आ गया हमारा रेडियस अब डायमीटर कितना आ जाएगा स्फीयर का डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस तो दैट मीन्स टू इंटू फाइव तो हमारा डायमीटर आ गया टेन सेंटीमीटर इज द आंसर